पूरा फिल्म फेडरेशन आया पठान के सपोर्ट में। बॉयकॉट बॉलीवुड करने वालों के खिलाफ चल रही है बड़ी मुहिम। बीते काफ़ी दिनों से शाहरुख खान की फिल्म पठान को काफ़ी बॉयकॉट किया जा रहा है, यहां तक कि कई थिएटर से शाहरुख खान के पोस्टर भी फेंके जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जो अहमदाबाद का है और वहां के बजरंग दल के समूह ने पठान को बॉयकॉट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्सी अब बेमतलब बताई जा रही है क्योंकि CBFC द्वारा विवादित सीन को कट कर दिया गया है। बावजूद इसके लगातार फिल्म पठान को लेकर बायकॉट किया जा रहा है। अब इसी से जुड़ी एक नोटिस सामने आई है जो हेटर्स के खिलाफ है। इसमें बताया गया है कि बेमतलब अगर बॉलीवुड को बायकॉट किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिल्म पठान को बायकॉट करने और सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज नहीं होने की धमकी के बीच FWICE का कहना है कि फिल्मों से लाखों मजदूरों और टेक्नीशियंस की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में बॉलीवुड और उसकी फिल्मों को बायकॉट करने की मांग का चलन उसके कमाने वाले लाखों लोगों की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में FWICE ने फिल्मों का निर्माण कर लाखों लोगों को रोजगार देने वाले तमाम निर्माताओं का शुक्र अदा किया है और उनके प्रति अपना समर्थन जताया है। FWICE ने सरकार से बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की भी मांगे की है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस हाल ही में भेजी गई है वह किसी फिल्म के प्रोड्यूसर या एक्टर की ओर से नहीं बल्कि FWICE की तरफ से है, जो फिल्म में टेक्नीशियंस और बाकी वर्कर्स हैं, और उन्होंने ये मांग उठाई है। अगर बेवजह फिल्म को बायकॉट करने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा बीते दिनों ही सुनील शेट्टी ने भी बॉयकॉट बॉलीवुड पर अपनी आवाज़ उठाई थी। सुनील शेट्टी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नफरत मिटाने में मदद करे और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन में मुक्ति दिलाए। एक्टर ने मुंबई में CM योगी के साथ मीटिंग के दौरान कहा कि वो बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता है। ऑडियंस को थिएटर्स में वापस बुलाना बहुत जरूरी है। ये जो हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड चल रहा है, ये आपके कहने पर ही रुक सकता है। उन्होंने आगे कहा, हमने अच्छी अच्छी फिल्में की है। मैंने बॉर्डर जैसी फिल्मों का हिस्सा रहा हो, अगर मैं सुनील शेट्टी बना हूँ तो UP की वजह से। उन्होंने आगे CM योगी से कहा कि आप लीड करेंगे तो ये जरूर हो सकता है। हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे हटाना जरूरी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस खबर को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।